Hello students, let us discuss the question number 6 of exercise 1.3. What is the question? A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree centigrade at a rate of 5 degree centigrade every hour. What does it mean that कि कोई एक freezing process कर रहे हैं किसी का, ठीक है? अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स, वो फ्रीजिंग प्रोसेस जो हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसका टेम्परेचर लो करते जाना है. कैसे? एवरी वन आवर, हर एक घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करते जाना है, ठीक है? उसको डिक्रीज करते जाना है. अभी प्रेजेंट में टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड. सो इट कैन बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि प्रेजेंट टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एट अ रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर. धीरे धीरे हर एक घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करते जाना है. व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, मतलब 10 घंटे के बाद उसका क्या रूम टेम्परेचर हो जाएगा, क्या टेम्परेचर हो जाएगा जब उसका हम 10 आवर्स तक हम ये टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएँ. तो एक घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा? 10 × 5, दैट मीन्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड. तो बस टोटल टेम्परेचर निकाल लेते हैं, क्या डिक्रीज़ हुआ? 40 डिग्री सेंटीग्रेड. और उसके बाद 50 डिग्री सेंटीग्रेड जब वो नेगेटिव हो जाएगा तो कितना टेम्परेचर हुआ वो हमको बताना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई हैव रिटन द प्रेजेंट टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड. द टेम्परेचर लोअर्स एट rate of 5 degree centigrade every hour, means in 1 hour the temperature will be negative of 5 degree centigrade, क्योंकि ये lower कर रहे, decrease कर रहे हैं, तो negative है. तो एक घंटे में 5 degree centigrade, in 1 hour negative 5 degree centigrade, in 10 hour the temperature will be negative 5 × 10, which is negative of 50 degree centigrade. So the total temperature will be, the total temperature will be at present कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड. 10 घंटे के बाद कितना हो जाता है? 50, बट वो नेगेटिव में होता है, नेगेटिव 50 डिग्री सेंटीग्रेड. सो 40 डिग्री सेंटीग्रेड नेगेटिव 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमको दे देगा क्या? नेगेटिव 10 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 50 बड़ा है, बड़ा नंबर का साइन क्या देख रहे हो? नेगेटिव है. आंसर विल बी इन नेगेटिव. Now let us discuss the question number 7. What is the question number 7? In a class test containing 10 questions, मतलब क्लास में कोई टेस्ट हुआ है और वो 10 questions उस टेस्ट में हैं, ठीक है? That test contains 10 questions. तो उसका मार्क्स कैसे दिया जाएगा? 5 marks are awarded for every correct answer. Means one answer भी करेक्ट होता है तो 5 मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाते हैं, यानी कि गेन हो गया, प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है? एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर द इनकरेक्ट आंसर. अगर रॉन्ग हो गया, यानी कि उसमें से -2 मार्क्स काट लिए जाएंगे, डिडक्ट कर लिए जाएंगे -2 मार्क्स. वन इनकरेक्ट क्वेश्चन विल गेट डिडक्टेड बाय -2, मतलब एक इनकरेक्ट क्वेश्चन से -2 कट जाएगा. सो ये तो है, बट 0 फॉर कंटेनिंग फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और 0 दे दिया जाएगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो. तो एक पूरा का पूरा जो क्लास टेस्ट होगा 10 क्वेश्चंस का, उसमें से अगर आपने क्वेश्चन का आंसर सही देते जाओगे तो 5 5 5 5 5 आपको मिलते जाएंगे. तो अगर 10 क्वेश्चन सारे सही हो गए तो 50 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. लेकिन अगर आपके सारे 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे, तो हर एक क्वेश्चन में -2 है, तो 10 क्वेश्चन के रॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स कितने हो जाएंगे? 10 क्वेश्चंस के मार्क्स हो जाएंगे अगर रॉन्ग आंसर दोगे. सो 10 × -2 -20 मार्क्स हो जाएगा आपका नेगेटिव मार्क्स, ठीक है? सो मोहन गेट्स 4 करेक्ट. अब 4 करेक्ट है तो यहाँ पे देखो, 1 करेक्ट के लिए 5 मार्क्स है. सो 4 करेक्ट के लिए क्या चाहिए? 4 × 5, यानी कि 20 मार्क्स आ जाएंगे उसके 4 करेक्ट आंसर्स के लिए, ठीक है? और 6 इनकरेक्ट है, यानी कि 1 इनकरेक्ट का क्वेश्चन का मार्क्स क्या है? -2. तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 × -2 - 12. इसको मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखाती हूँ. 4 करेक्ट है, सो करेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे आपके? आपके हो जाएंगे 4 × 5, यानी कि 4 × 5 = 20. तो ये मार्क्स उसके हो गए करेक्ट के लिए, 4 करेक्ट के लिए. और 6 इनकरेक्ट है,
यानी कि 6 × −2 − 12, ये तो उसका टोटल मार्क्स पाएगा 20 और −12. वॉट इज इट स्कोर? सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉपरली एंड डिस्कस इट. सो मोहन्स स्कोर क्या हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर के लिए. सो आप ऐसे करोगे, टोटल स्कोर क्या हो जाएगा 20 − 12 यानी कि 8. लेकिन हम प्रॉपरली कैसे करेंगे? सो आप इसको ऐसे लिखोगे, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, लाइक फॉर 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स अवॉर्डेड. सो 1 करेक्ट क्वेश्चन या ईच क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 करेक्ट क्वेश्चन, यही ठीक रहेगा. 1 करेक्ट क्वेश्चन मार्क्स कितने हो जाते हैं इसके? +5. ठीक है. सो टोटल करेक्ट क्वेश्चन कितने थे? तो फॉर 4 करेक्ट क्वेश्चन मार्क्स क्या हो गया इसके? 4 × 5 + 20. ठीक है. अब आप बताएंगे कि उसका 6 इनकरेक्ट, यहाँ पे लिखा है 6 इनकरेक्ट. सो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट या 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क इज 2 है. 1 करेक्ट आंसर के लिए −2 है. 6 इनकरेक्ट क्वेश्चंस के मार्क्स क्या हो जाएंगे? −2, इट विल गिव यू −12. टोटल स्कोर, मोहन्स टोटल स्कोर 12. पहला क्या था इसका? 20 − 12. ओके, ये मोहन का स्कोर हो गया. अब आते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या है? रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर. सो 5 करेक्ट आंसर, तो 5 मार्क्स मिलता है 1 करेक्ट के लिए. सो 5 क्वेश्चंस के लिए क्या मिल जाएगा? 5 × 5 = 25 करेक्ट, यानी +25. और 5 है इनकरेक्ट है. 1 इनकरेक्ट का मार्क्स कितना है? -2. 1 इनकरेक्ट मार्क्स गेट -2. सो 5 इनकरेक्ट मार्क्स विच गेट 5 × −2 मीन्स -10. सो रेशमास टोटल स्कोर, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, रेशमास टोटल स्कोर 5 मार्क्स, 5 करेक्ट करती है, यानी कि 5 × 5 प्लस अगला क्या है इसका? 5 इनकरेक्ट, यानी कि 5 × −2. सो 25 − 5 = 10. टोटल स्कोर इज 15. अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ द 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्टेड. 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही है, ठीक है, जिसमें से 2 करेक्ट है. 2 करेक्ट के हिसाब से 1 करेक्ट का मार्क्स है 5, तो 2 करेक्ट का मार्क्स क्या हो जाएगा? 5 × 2 = 10. और 5 इनकरेक्ट है, सो 5 इनकरेक्ट है. 1 इनकरेक्ट का आंसर क्या है? −2. सो 5 का क्या होगा? −10. तो 10 में −10, इसको तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं. 2 करेक्ट आंसर, तो फिर हीना का स्कोर क्या होगा? ठीक है, मैं प्रॉपरली लिख के, हीनास स्कोर टोटल स्कोर, ठीक है, 5 मार्क्स मिलता है 1 करेक्ट के लिए. तो 2 करेक्ट के लिए क्या होगा? 5 × 2 प्लस दूसरा क्या है? 5 इनकरेक्ट है. 1 इनकरेक्ट का मार्क्स क्या है? −2. तो 5 इनकरेक्ट का क्या हो? 5 इनकरेक्ट का क्या हो जाएगा? 5 × −2. 10 − 10 = 0. सो दिस इज़ द हीनाज स्कोर. थैंक यू.